अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्वाइलाइट इन दिल्ली के मेजर थीम्स पर बात करेंगे। मैं मोहम्मद अफजल राणा, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, बात करते हैं ट्वाइलाइट इन दिल्ली के मेजर थीम्स पर। ट्वाइलाइट इन दिल्ली एक पावरफुल नावल है अगर हम इंडिया में मुस्लिम कल्चर की कंडीशन को एक ख़ास पीरियड में स्टडी करना चाहते हैं। इसके अलावा ट्वाइलाइट इन दिल्ली में थ्रू डिफरेंट सिंबल्स लाइफ पे जनरल कमेंट्री जो है वो मिलती है। बहरहाल आज हमारा जो टॉपिक है, जिस चीज़ पे हमने जो है वो आज बात करनी है, वो बड़ा मखसूस है कि हम इसके मशहूर थीम्स पर बात करेंगे कि इस नावल में जो फेमस थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो थीम हमें नज़र आता है ऑफ कोर्स वो मुस्लिम कल्चर के बारे में है कि किस तरह से मुस्लिम कल्चर वाज अंडरगोइंग अ सॉर्ट ऑफ इनहिलेशन इन इंडिया व्हेन दिस नावल वाज रिटन, डिमिनिशिंग मुस्लिम कल्चर इन इंडिया। तो ये जो इसका जो है वो थीम हमें नज़र आता है कि ये जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर है इंडिया, जहाँ पे मुस्लिम कल्चर काफ़ी पॉपुलर एंड पावरफुल किस्म की फोर्स थी, उसके साथ जो है वो क्या हुआ। इस पूरे नावल में हमें ये एक जो वीक होता हुआ मुस्लिम कल्चर है और मुस्लिम कल्चर पर जो डिफरेंट किस्म के इन्फ्लुएंसेस हो रहे थे उनको जो है वो इस नावल में बड़ी अच्छी तरह से जो है वो स्टडी किया गया है। और इस स्टडी के लिए ऑफ कोर्स कुछ करैक्टर्स को लिया गया है और एक प्लेस को लिया गया है, दिल्ली को एज माइक्रोकॉज्म इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से मीर निहाल को एक इंडिविजुअल इस्तेमाल किया गया है और मीर निहाल की प्लाइट के ज़रिए जो आम मुसलमान थे, जो मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी थी, उनकी प्लाइट को एक्सप्लोर किया गया है कि उनके साथ जो है वो किस किस्म के क्राइसिस से जो है वो गुज़र रहे थे। और इस क्राइसिस से गुज़रने की ऑफ कोर्स बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वजह जो राइटर हमें बताता है वो पावर का लॉस था, जो पावर मुसलमानों के हाथ से निकल कर कहीं और जो है वो सेंटर हो चुकी थी। और उस जो ये शिफ्ट इन पावर है उसने किस तरह से मुस्लिम कल्चर को इफ़ेक्ट किया। पहले थीम के साथ डिमिनिशिंग मुस्लिम कल्चर के साथ क्लोजली रिलेटेड थीम जो हमें नज़र आता है वो कॉलोनियलिज्म का आता है। अब कॉलोनियलिज्म एक प्रैक्टिस है जो यूरोप ने अपनाई टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेशन अपॉन द बिगर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया में मुसलमान क्योंकि हुकूमत जो है वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग हियर वर हिंदूज और दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। तो उस जो वीकनेस है उसको किस तरह से एक्सप्लाइट किया गया और फिर मुसलमानों की वीकनेसेस को किस तरह से एक्सप्लाइट किया गया इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ कॉलोनी हियर इन सब कॉन्टिनेंट। तो इस नावल में इस पूरे थीम को बड़ी अच्छी तरह से जो है वो एक्सप्लाइट किया गया है, किस तरह से जो है वो ये सब कुछ हुआ बताया गया है। और इम्पोर्टेंट जो सबसे एस्पेक्ट है कि जो ओल्ड दिल्ली था, जो मुस्लिम कल्चर के साथ एसोसिएट था, जिसका जो मुस्लिम कल्चर के साथ जो है वो रिलेटेड था, उसके साथ किस तरह से जो है वो एक नया शहर जो है वो बसाया गया और किस तरह से रिसोर्सेज जो है उस तरफ डाइवर्ट किए गए और फिर किस तरह से जो है वो पावर का इस्तेमाल किया गया टू डिप्राइव द प्रीवियस रूलर्स, जो पहले रूलिंग क्लास थी उसको किस तरह से महरूम करने के लिए पावर और डिफरेंट टैक्टिसेस का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। तो ये नावल हमें बड़ा अच्छी डॉक्यूमेंट फराहम करता है इन सारी चीज़ों को, इन करंट्स एंड क्रॉस करंट्स को स्टडी करने के लिए। अब कुछ इसके साथ जुड़े हुए जो है वो पर्सनल थीम्स हैं, लाइक
मैरिज का थीम है, मैरिज बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी कल्चर में, तो इस नावल में जो मैरिजेज हैं स्पेशली इन मुस्लिम फैमिलीज उनको जो है वो एक्सप्लोर किया गया है कि ये मैरिज असल में इसकी मोटिवेशन जो है वो क्या है, मैरिजेज जो है वो किस तरह से कंडक्ट होती हैं, और मैरिजेज में वो ख़ास किस्म की कौन सी चीज़ें हैं जिनको समझना और जिनका हाईलाइट होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस नावल में ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके साथ ऑफ कोर्स जो एक थीम जो सारे नावल में फैला हुआ हमें नज़र आता है वो सेक्स है, सेक्स के किस तरह से सेक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी आपस में रिलेटेड हैं, किस तरह से ह्यूमन बीइंग की जो मेन मोटिवेटिंग फैक्टर है जो उन्हें ज़िंदगी में जो एक्टिव रखता है वो सेक्स, और सेक्स को मैरिज के साथ जो है वो रिलेट किया गया है। इसके अलावा भी आउटसाइड मैरिज जो रिलेशनशिप है उसमें भी जो है वो सेक्स के जो है वो हिंट मिलते हैं कि अरिस्टोक्रेसी और स्पेशली इंडियन जो है वो किस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल किस्म की सिचुएशंस में भी इन्वॉल्व होते थे। अगरचे ये राइटर का अपना भी ऑब्सेशन है, बहुत सारे लोगों ने इस पे एतराज़ किया है कि जिस तरह से राइटर ने सेक्स को मेन करेक्टर्स की लाइफ के साथ जो है वो रिलेट किया है, ये राइटर की अपनी ऑब्सेशन है सेक्स के साथ। बहरहाल सेक्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट थीम के तौर पर इस सारे नावल में मौजूद है, और हमें इस सेक्स की जो ओरिएंटेशन है उनको समझ, सेक्स की ओरिएंटेशन और इंडिविजुअल की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट या इंडिविजुअल की जो लाइफ है उनको आपस में स्टडी करने का जो है वो हमें इस नावल में बेहतरीन मौका मिलता है। उसके बाद जो एक बहुत ही पावरफुल किस्म का थीम है, और ये थीम भी जो है वो पूरे नावल में नज़र आता है, वो चेंज है। राइटर ऑफ कोर्स शो करना चाह रहा है कि चेंज जो है वो इनएविटेबल होती है और ये चेंज आती है, लेकिन इस चेंज को बाज़ात जो आउटसाइड फैक्टर हैं वो इसकी स्पीड में इजाफ़ा कर देते हैं। तो इस नावल में भी हमें जो मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम सोसाइटी है, उसमें जो चेंज वो इनएविटेबल थी, क्योंकि जो उस वक़्त के मुसलमान थे या अरिस्टोक्रेसी थी वो अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी कर चुके थे। अब जो है वो चेंज ऑफकोर्स जो है वो आनी थी, अगरचे ये लोग जो है वो चेंज को रजिस्ट कर रहे थे, लेकिन चेंज जो है वो इनएविटेबल थी और इट केम, उनके चाहने या ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो बाहर फोर्सेस, जो आउटसाइड फैक्टर थे जो इस चेंज को लेके आना चाह रहे थे, ऑफ कोर्स वो ज़्यादा पावरफुल थे, जो अपनी करैक्टर्स की या लोकल जो है वो रेजिस्टेंस थी उसके खिलाफ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉपुलर थीम्स थे इस नावल में जिनको राइटर ने ट्रेस किया है, जिनको राइटर ने जो है वो हाईलाइट किया। ऑफ कोर्स जब आप नावल पढ़ते हैं आप बहुत सारे दूसरे थीम्स को भी यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं, उनको बहुत सारे दूसरे थीम्स भी आपको जो है वो नज़र आते हैं। बट माई पर्पज़ फॉर दिस वीडियो वॉज ओनली टू हाईलाइट अ फ्यू themes from where you can start and build up your own scheme as a whole. Inshallah, I'll be working on this kind of topics in the future as well. Meri aapse again jo hai wo request hai ki mujhe support karne ke liye mere YouTube channel ko subscribe.